हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आज जो होगा 16वां चैप्टर होगा और ये एनसीईआरटी का अंतिम चैप्टर होगा। इससे पहले 15 चैप्टर का वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को ज़रूर देखें। आज जो करने जा रहे हैं वो 16वां चैप्टर होगा, जो कि अंतिम चैप्टर है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इनके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R विषय संबंधित है। आपको बताना है 3 R विषय संबंधित है। रिमेंबर, रेड्यूस, रिक्वेस्ट, रेफ्यूज। रिक्वेस्ट या रिगार्ड्स, रेड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, रेड्यूस, रिफ्यूज और रिगार्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। इसका अर्थ होता है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R का विषय संबंधित है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए आप रिड्यूस अर्थात कम वस्तु का कम प्रयोग करेंगे, वस्तु का जितना हो सके कम प्रयोग, कम यूज करेंगे। उसके बाद जो वस्तु यूज करने लायक नहीं होगा उसे रिसाइकिल के लिए भेज देंगे, और जब रिसाइकिल होके आएगा तो फिर से पुनः उसका रीयूज, दोबारा से उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसी को बोलते हैं 3 R। ठीक है, तो याद रखिएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है। तो प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्राकृतिक ने दिए हैं, उसे ही प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। जो प्राकृतिक ने दिए और इस धरती पे जो जीव बसर करते हैं उसके द्वारा उपभोग किया जाता है, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जल, मिट्टी, वन इत्यादि सारे जो है प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा कार्य परियोजना कब अस्तित्व में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। गंगा कार्य परियोजना 1985 में अस्तित्व में आया था, और ये गंगा कार्य परियोजना ये करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट है जो गंगा स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने वन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? वन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, अमृता देवी बिश्नोई करके नाम है, इसी के सम्मान में जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो है ये रानी थी, ठीक, और रानी थी, और रक्षा के लिए जो इन्होंने खेजरी नामक है ना, खेजरी नामक वृक्ष का रक्षा के लिए इन्होंने, ये अमृता देवी बिश्नोई ने 1771 ईस्वी में 363 लोगों के साथ अपने अपने आप को बलिदान दे दिया था। तो इसी के सम्मान में, अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में ही राष्ट्रीय वन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिपको आंदोलन किस गांव से शुरुआत हुआ था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन वन संरक्षण के लिए जो है आंदोलन शुरुआत किया गया था, ये रेनी गांव से शुरुआत हुआ था। और चिपको आंदोलन जो है रेनी गढ़वाल के रेनी गांव से, याद रखिएगा, गढ़वाल के रेनी गांव से चिपको आंदोलन का जो है शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही मिलान करें। आपको यहाँ पे टिहरी बांध भागीरथ नदी, यहाँ बांध दिया हुआ है और उसका जो है जिस नदी पर बनाया गया है वो नदी दिया गया है। तो सही मिलान करें कौन सा सही है। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तो तीनों ऑप्शन सही है। किसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल को दूषित होना किस वर्ग के जीवाणु की उपस्थिति को दर्शाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जल को दूषित होना जो है ये कोलीफॉर्म जीवाणु को दर्शाता है, और ये कोलीफॉर्म जीवाणु मानव के आंत्रस में भी पाया जाता है। तो याद रखिए, जल को दूषित होना किस जीवाणु की उपस्थिति को दर्शाता है? तो कोलीफॉर्म जीवाणु का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है GAP का पूर्ण रूप क्या है?
गंगा एक्टिव पॉलिसी, गंगा एक्टिव प्लान, गंगा एक्शन प्लान या गंगा एक्शन पॉलिसी। तो याद रखिएगा, GEGAP का जो फुल फॉर्म होता है वो गंगा एक्शन प्लान है, इसको याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GAP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गंगा एक्शन प्लान। अगला क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम के दहन के पश्चात कौन सी विषैली गैस निकलती है। तो कोयला या पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन के जलाने के पश्चात जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों जो है निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस ख़त्म हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, टुडे ऑल द चैप्टर्स आर ओवर। तो आज जो है NCERT का कुल 16 चैप्टर होता है, 16 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अगर इनसे पहले वीडियो नहीं देखा तो उन वीडियो को अच्छे से देखें और सारे क्वेश्चन को नोट कर ले, और जो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आता है उस न्यूमेरिकल को कॉपी में नोट करें, और फार्मूला याद रहना चाहिए, और फार्मूला के आधार पर बनाने का प्रयास करें, निश्चित रूप से बनेगा। इसके बाद जो सेशन आने वाला है वो करंट अफेयर का, तो आप लोग तैयार हो जाइए करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर का मंथली वाइज कराने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाला है, तो जो है आप ज़रूर उन करंट अफेयर के इसमें जो है पार्टिसिपेट करें और एकदम क्वेश्चन को देखें। तो मिलते हैं करंट अफेयर के सेशन में, आज NCERT का पूरा ख़त्म हो चुका है 16 चैप्टर। हाँ, और चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।